नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। गलियों का पानी व नाला निकासी व्यवस्था शुरू न होने पर नगर निगम पहुंचे नागरिक। भगेल कॉलोनी और न्यू अम्बेडकर नगर में 4 साल से है ये समस्या। निदान को लेकर नगर आयुक्त को दिया गया ज्ञापन। बता दें, नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 29 भगेल कॉलोनी और न्यू अंबेडकर नगर के बाशिंदे नगर निगम पहुंचे और गलियों का पानी और नाला निकासी व्यवस्था सुचारू हो आदि मांग की। इस दौरान इनके साथ आए क्षेत्रीय नागरिक भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तर मंडल से शिव कुमार राठौर ने मीडिया को समस्या बताई। उन्होंने बताया, उक्त वार्ड के 2 मोहल्ले न्यू अम्बेडकर नगर भगेल कॉलोनी सन 2018 से यहाँ गलियों का पानी और नाला निकासी व्यवस्था सुचारू हो, इसकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। कहा कि जब आप 4 साल में काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नगर निगम दोषी है। डूडा से भी काम हो सकता है, अगर आप नहीं करा सकते तो डूडा से कराइए। कहा कि 4 साल से की जा रही है मांग पूरी नहीं हुई है। नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। सुनवाई न होने पर क्षेत्र में जनता संघ कहा कि आंदोलन किया जाएगा। मैं वार्ड नंबर 29 से आई हूँ और मेरे गली में पानी भर जाता है। भर के नाली का पानी हम हाथों से डालते हैं, प्लॉटों में खाली में पानी का निकास नहीं है। 2-3 बार हम नगर निगम में आ चुके हैं। बहन जी ने हमें 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन के यहाँ 16 दिन हो गए पर लेकिन अभी कुछ नहीं नंबर लगा है। नगर निगम में किससे मुलाकात करनी है? हमने बहन जी से आए, नूतन बहन जी से मिलने के लिए। नगर निगम से भी बात कर रहे हैं पर लेकिन कोई सुनाई नहीं करता है। हम चिल्ला चिल्ला के चले जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारे बच्चे गंदे पानी में खेल रहे, बीमार हो जाते हैं, खुजली वो भी हो जाती है। 7 महीने तो मुझे हो गया है इलाज कराते कराते खुजली का। किसने किस लिए नगर निगम आई है? वार्ड नंबर 29 से क्या पानी भरो रहता है सड़कों पर? बच्चा बीमार, बच्चों पढ़ा नहीं पाते, स्कूल जाते हैं। मुलाकात करने के लिए सड़कों के लिए किन से बात करना आप? नंबर 29 से कुछ महिलाएं आई थी नगर निगम में और वो ज्ञापन दिया है, आपको किस बाबत में दिया ज्ञापन? देखिए, वहाँ पे कुछ स्थानीय महिला आई थी, वहाँ पे उनका एक डिमांड था कि नई रोड बनाई जाए, उसके निर्माण में उनके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया था। उसके लिए मैंने जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनको मौके पर भेज दिया है, उसका निरीक्षण कर लेंगे और यथासंभव जल्द से जल्द हम जो भी निर्माण कार्य है उसका जो भी नियमानुसार कार्य हो सकता है उसको कार्रवाई सुनिश्चित करवा लेंगे। ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। देखा, मैंने कहा था।